फास्टफुड खाइबाकु काहाकु बा भल न लागे। खास करी आजिका पिलांको कथा कहिले एमाने फास्टफुड बिना गोटे दिन भी अतिवाहित करि परिबे नाही। फास्टफुड दुकान रे सब बेले भिड़ जमी थाए। तेबे देखंतु एही फास्टफुड दुकानटिकु केमिति दुकानी भाई जणक चाउमिन करिबारे पूरा व्यस्त अछंती। केते बेले सेथिरे अंडा भांगी पकाउछंती त आउ केते बेले विभिन्न रकमर सॉस। हेले आपण भाबुथिबे आमे काहि कि यांको कथा कहुछु। दर्शक बंधु टिके भल्ल करी देखंतु, देखिले जाई आपण जानि परिबे आमे कोण कहिबाकु चाहुछु। टिके निरीखै कि देखंतु एही व्यक्ति जणकु जिए निजर गोटे हाथ में संभाली दुकानटी। पिला बेलु से भिन्नक्षम तथापि आज से होइपारिछंती सक्षम। अन्य मानंक पाई से पालटिछंती उदाहरण। केवल निजे सक्षम होइना निज परिवार चलाइबाकु से अंटा भिड़िछंती। आमे कहुछु जाजपुर बिंझारपुर ब्लॉक प्रीतिपुर गाँव सुभाष चंद्र पात्र कथा, जी घर पाखरे एक फास्टफुड दुकान करी परिवार चलाउछंती। सुभाष जणे दिव्यांग होइथिले मध्ये हार मानिनाहंती कर्मक्षेत्र रे। परिवार कहिले बापा मां पुओ झियंक सहित दिव्यांग पत्नी। आजकु 15 वर्ष पाखापाखी हेबो प्रीतिपुर मेडिकल निकट रे एक फास्टफुड एंड होटल दुकान करी परिवार प्रतिपोषण करी आउछंती। सुभाष भली की भली स्वादिष्ट खाद्य प्रस्तुत करी समस्तंकर प्रिय पात्र पलटिछंती। सुभाष जन्म हेबार मात्र 22 दिन रे मसारी भितरे सोइथिबा बेले लैंप रु निया लागी बाम हात ओ मुंड पोडी जाइथिला। सेते बेले उन्नत चिकित्सा करा जाइ न परिबारु हातटी संपूर्ण नष्ट होइ जाइथिला बेले मुंडरे अधा खपुरी नाही। गोटे हात साहाज्यरे समस्त दैनिक कार्य करि सारिबा सहित सफल व्यवसायी हो पारिछंती सुभाष। निजे हाथ गोटे हाथ नाई बोली मुझे भाव पारे के 10-15 वर्ष है दुकान चल बाप माँ भाई बंधु सब ये रोच घर संसार चलाऊ निजे बोली अक्षम बोली कभी भावनी हो समाज को ये उदाहरण दूचे कई के अक्षम लोक के भावती ना अक्षम बोली मूर्ख भले गोटे हाथ न था कम कर पोषि पार्टी से ही रकम समस्त भाव मुरेटा छोट बल होती निजू निजे मुझे मैंने मैंने हेंडिकैप बोली भाभी निजे निजे गोटे हाथ खटी खाऊ पर पोषुची बाप माँ भाई बंधु सब ये रोच होटेल तो गोटे कर संसार पोषुच नवम श्रेणी पर्यटन पाठ पढ़ु प्रथम दुकान छोटे करी तब धीरे धीरे लोक आसला जो लोक बढ़े बापा भाई समस्त आस कले दुकान आस्ते आस्ते चलती बाई दिन होता पड़ जाइला तार हाथ फाथ सब पड़गला मेडिकल आने की हाथ तार गोटे नष्ट आईरकम से 15-16 वर्ष है चाउमिन दुकान करें भी साय कर कलिकतार मिठा दुकान काम करी आलिकतार छाड़ी आसिक छोटिया दुकान टेला आम आसिक देख लु धीरे धीरे बढ़ला तापर समस्त आम ये चलुचु। भिन्नक्षम होइ मध्य अन्य काहा पाखरे हात पतेइ नाहंती बरं जणे स्वाभिमानी भावे निज गोडरे छिड़ा होइ परिछंती। किंतु आज पर्यंत से सरकारी सुविधा कहिले भिन्नक्षम भत्ता छाड़िले आउ किछि भी पाइ परि नाहंती। निजकु अक्षम मने न करी अन्य मानंक पाइ उदाहरण पालडिछंती सुभाष। सरकारंक पक्षरु एपरि दिव्यांग व्यक्तिमानंकु आर्थिक सहायता ओ प्रोत्साहन जदि जोगाइ दिया जांता ताहेले सेमाने अधिकरु अधिक स्वावलंबी होई परंते। सेपटे सुभाष का हाथ तैयारी सुस्वादु खाद्य खाइबाकु ग्राहकंकर प्रतिदिन भिड़ जमी थाए। तो हाथ पोड़ी जाइथिला से छोट दुकान टे करके से भल रही है समस्त मिसिक हेल्प करछु बोली एरिया लोक समस्त पसंद कर हाथ रंधा खाइबापी आन हूँ मिल फिल होटेल आउ 4 बेल टाइम फास्टफुड आ सका जलखिया से सान भाई सब करे खाली आम हेल्प करूँ बापा बो मुझे मो पु ता पु समस्त मिसिक दुकान चलाऊ मु तो ड्राइविंग करी मुझ देख ली से फास्टफुड दुकानदार जो बड़े कला से लोक आग्रह है खाइबाप देखनी भिड़ जोड़ा मुझे निजे गाड़ी धंदा छाड़ी निजे उपस्थित रही जड़े भिन्नक्षम व्यक्ति
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବନେଇ ଭଲ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବୋଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। କାହା ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସୁବାସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଛଡ଼ା ସୁବାସକୁ ମିଳିନି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତଥାପି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାହସ କରି ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁବାସଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।